है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दुधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है। भारत में जल संचय की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसके प्रमाण साहित्य, शिलालेखों और पुरावशेषों में मिलते हैं। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और गुरु कौटिल्य ने जल संचय, उसके नियमन और संबंधित नियमों के उल्लंघन के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। जल संबंधी मामलों के विशेषज्ञ कृष्ण गोपाल व्यास। आप अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करें तो उसमें कुछ अद्भुत चीजों का वर्णन है। उसमें यह है कि सरकार जो है पानी के लिए काम करेगी, मतलब राजा जो है पानी के लिए काम करेगा, और राजा ने जो काम किया है, जो तालाब बनाए हैं, अगर उससे कोई आदमी पानी लेता है तो उसे टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना होगा। अगर आदमी खुद का कोई तालाब बनाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, उसे छूट मिलेगी। लेकिन अगर वो 5 साल तक उस संरचना का रख रखाव नहीं करता है, टूट फूट होने देता है, तो राज्य में ये व्यवस्था थी कि उसका वो तालाब सरकार अपने हाथ में ले ले और अपने हाथ में लेकर के उसका उपयोग समाज के लिए करने लगे। तो हमारी पुरानी व्यवस्था में राजा महाराजाओं के द्वारा ये काम बहुत ही अच्छे तरह से किया जाता था। छोटी संरचना समाज बनाता था, बड़ी संरचना राजा बनाता था। राजा और प्रजा दोनों ही द्वारा जल और इसके संचय को महत्व दिए जाने के कारण भारत में कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। आधुनिक काल के पूर्व तक देश की समृद्धि का कारण भी यही था। मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद भारतीय जल परंपरा और भी समृद्ध हुई। जब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई तो दो संस्कृतियों के परस्पर मिलन से एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। मुस्लिम शासक ऐसे देशों से आए थे जहां पानी का बहुत अभाव था। इस समुदाय का पानी का ज्ञान और पानी के उपयोग के उनके तरीके भारत से बहुत भिन्न थे। प्रोफेसर जमीरुद्दीन, जो हिंदू कल्चर है वो इतना टॉलरेंट है कि वो हर एक को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हुआ ये कि इस्लाम जो है वो रेगिस्तान में पैदा हुआ, वहीं पनपा, वहाँ पानी तो था नहीं, और इसलिए ख़ास तौर से पानी का बड़ी कदर थी। यहाँ तक कि कुरान शरीफ में आया है कि अगर कोई दुकानदार या ताजिर कम तोलता है तो अल्लाह मियाँ उसका पानी बंद कर देंगे। यानी इतनी बड़ी सज़ा जो है पानी बंद कर देने की सज़ा कही जाती थी। अच्छा, दूसरे और भी ये हुआ है कि जब वो जैसे हिंदुस्तान में जब आए तो उन्होंने वो जो एक रिवायत थी वहाँ की पानी की कदर करने की, वो उन्होंने जारी रखी। जैसे मैं कभी कभी मजाक में ये भी कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारे तो इतना पानी था कि हमारा जो लोटा है उसका मुँह बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुसलमान के यहाँ तो पानी नहीं होता था रेगिस्तान में। तो उन्होंने एक ईजाद किया कि भाई कम से कम पानी इस्तेमाल होना चाहिए, और बदना रखा उन्होंने जिसकी एक टोटी होती है जिससे बहुत कम पानी निकलता है। मज़हब का भी एक ताल्लुक़ है उससे कि जैसे बगैर नहाए पूजा नहीं होती, इसी तरह बगैर वज़ू किए हुए आपके नमाज भी नहीं हो सकती है। अब जब वज़ू करते हैं आप, तो वज़ू के लिए ये कहा है कि पहले आप अपने हाथ धोएंगे 3 बार, 3 बार आप नाक में पानी डालेंगे, उसके बाद फिर आप जो है मुँह 3 बार मुँह धोएंगे, फिर हाथ धोएंगे कोहनी तक। उसमें भी ये करते हैं कि ज़रा सा पानी डालिए और हाथ सीधा कर दीजिए ताकि पानी बच जाए। ये नहीं है कि आप इसको पूरे हाथ किस तरह धो रहे हैं किए। फिर उसको यह है कि वो इस तरह किया जाता है कि उसमें गर्दन की पीछे भी उंगलियां जाती हैं, तो अपनी जो शहर आ गए इसमें काफ़ी हीट होती है, तो वो हीट कम हो जाती है, तो ब्रेन को भी तसल्ली होती है और ब्लड प्रेशर नहीं होता है, और पैर भी धुले जाते हैं। तो इस तरह का ये होता है कि जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं वो सब के सब साफ़ हो जाते हैं बहुत कम पानी से, और वो बदने का पानी है तो और भी कम है। तो वह कुछ कल्चर ही कुछ ऐसा है कि वो आप चाहें ना चाहें पानी कम ही इस्तेमाल होगा, और वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। भारत में पानी के प्रचुर स्रोतों को पाकर मुस्लिम शासक आह्लादित थे। उनकी ये प्रसन्नता तत्कालीन स्थापत्य कला में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वास्तुविद सविता राजे। दे सेलिब्रेटेड वाटर थ्रू डिजाइन।
एक तो गार्डन्स में किया, उनके जो गार्डन्स थे पर्शियन कॉन्सेप्ट्स में, जो कि चार बाग कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जीवन चार भाग में है, तो वो चार जो क्वार्टर्स बनते हैं वो लाइफ के पड़ाव हैं और बीच में वो पानी जो है वो लाइफ गिविंग फोर्स है। उसको उन्होंने डिज़ाइन में बहुत तरह तरह से एक्सप्लाइट किया है। जो कैनासर्स में फाउंटेन्स दिए हैं वो फाउंटेन भी ऐसे थे जो ग्रेविटेशनल फोर्स से चलते थे, वैसे फाउंटेन में ऐसे तलवार जैसी स्ट्रेट लाइन में पानी निकलता था फोर्स से पतला। बदली राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारत में नए शहर बने, नई छावनियां बनी। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल आते आते सल्तनत को स्थापित हुए करीब 125 साल हो चुके थे और इस दौरान ईरान से विभिन्न विषयों के जानकार भारत आने लगे थे। भारतीय और ईरानी विशेषज्ञों की मदद से मुस्लिम शासकों ने अपने महलों और किलों में वर्षा जल संग्रहण के अभूतपूर्व प्रयोग किए। अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपने किलों के भीतर और बाहर कई तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करवाया। असीरगढ़ में फारूखी सुल्तानों द्वारा बनवाए गए 3 विशाल जलाशय बारिश के पानी को इकट्ठा करने के बेहतरीन नमूने हैं। इन शासकों ने जल संचय और उसके वितरण के लिए जिन वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया वो आधुनिक समाज के लिए एक बड़ी सीख बन सकते हैं। गोलकुंडा किले के ओवरहेड टैंकों में पर्शियन व्हील से पानी चढ़ाया जाता था और मिट्टी के पाइपों के रास्ते ये पानी चारों ओर पहुंचाया जाता था। कालांतर में मुस्लिम और मुगल शासकों ने बढ़ती आबादी और अपने विशाल छावनियों की प्यास बुझाने के लिए ईरान में प्रचलित कनात प्रणाली को अपनाया। वास्तुविद मंजूषा मिश्रा, जिन्होंने ईरान में निर्माण का कार्य करते हुए वहां की जल परंपराओं का बारीकी से अध्ययन किया है। ईरान जैसे देश में जहां पे पूरे साल में 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां पे आप बगीचे देखेंगे, फलों के बगीचे जिसमें खूब सारे फल और फूल और पानी, और यानी जब आप उस बगीचे में हैं तो लगता नहीं है कि डेजर्ट में है। ईरान के बागों का राज कनात या कारेज प्रणाली में ही छिपा है। करीब 40 साल पहले तक ईरान में कई शहरों में सारा पानी कनात या करीज से ही आता था। अनाज उगाने के लिए भी उपयोग करते हैं गाँवों में, और शहरों में भी पानी कनात से ही आता है। कुछ कुछ कनातें 36 किलोमीटर लंबी हैं। अगर आप हवाई जहाज़ में उड़ रहे हों ईरान के ऊपर, तो डेजर्ट में आप देखेंगे कि खूब सारे छोटे 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 छेद हैं एक लंबी लाइन में, और ये सारे वो कनात के एयर वेल्स हैं। रेतीली जमीन और उच्च तापक्रम के कारण ईरान में तालाब बनाना कभी भी एक अच्छा विकल्प नहीं रहा, इसलिए वहाँ के लोगों ने जमीन में रिसे हुए पानी को खोजा और उस पानी को भूमिगत सुरंगों के माध्यम से बस्तियों तक पहुंचाया। कनात बनाने वालों को मुकन्नी कहा जाता था। इन्हें उस जगह की पहचान होती थी जिसके नीचे पानी मिलता है। पानी के ये भूमिगत स्रोत पहाड़ियों या ऊंचे टीलों के भीतर मिला करते थे, जहां बारिश का पानी साल भर रिसता रहता है। पानी का स्रोत मिलने के बाद उसे बस्तियों तक पहुंचाने के लिए सुरंगें खोदी जाती। उधर से खोदना शुरू करते हैं जहां पे पानी की जरूरत है। एक कंपास होता था छोटा सा, और स्ट्रिंग और करघा, जो चरखा जो हम कहते हैं, इन सब का ही उपयोग करते थे, और खोदने के जो अवजार होते थे। मुकन्नियों के पास सादे औजारों के साथ साथ एक दिया भी जरूर होता था। सुरंग खोदते खोदते जब दिया बुझ जाया करता था तो वो समझ जाते थे कि हवा के आने जाने के लिए एक चिमनी बनाई जाने की जरूरत है। तो वहां पे फिर एक वर्टिकल कुआं खोदते थे और फिर आगे बढ़ते थे, तो करीब 100 मीटर पे एक एयर शाफ्ट की ज़रूरत होती है। और फिर जब वो पहुंचते थे उस जगह जहां पे इन्हें पता है कि अब हम खोदेंगे तो हमें पानी मिलेगा, तो वहां पे वो बंद कर देते थे सुरंग को खोदना, और एक कुआं खोदते थे एक्वीफर तक, यानी जैसे हम यहां पे कुआं खोदते हैं पानी पहुंचने तक, उस कुएं को खोदते थे। उसके बाद फिर वो इस तरफ से दोबारा खोदना शुरू करते थे, और जब वो आखिरी पॉइंट जब वो टूटता था तो एकदम पानी सुरंग में बहने लगता था। ईरान से आयातित इस कनात प्रणाली का एक बेहतरीन नमूना बुरहानपुर में मिलता है।
ये मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था के गौरवपूर्ण अतीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक है। जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना की सूबेदारी के समय इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी। मध्य एशिया के मुकन्नियों ने बुरहानपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित सतपुड़ा के पर्वतों के भीतर पानी खोजा और इसे बुरहानपुर तक पहुंचाया। दौलताबाद, बीदर और बीजापुर में भी कनाद प्रणाली के अवशेष मौजूद हैं। वास्तुविद विशाखा कवठेकर, दक्षिण में हम देखते हैं सबसे ज्यादा पर्शियन इन्फ्लुएंस रहा है प्योरेस्ट फॉर्म में। बीदर का जो करेज है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और करेज में 21 खड़ी हवा के लिए नालियां थी और बीदर के लोग उसे जमुना मोरी कहते हैं। बीदर के बारे में हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने पाया कि जो 21 हवा की नलियां थी अब सिर्फ 17 दिखती है। तो आबादी बढ़ रही है, आपको पता नहीं है कि आप जहां घर बना रहे हैं उसके नीचे ये करेज भी है। तो जब तक हम इनके बारे में जानेंगे नहीं तो ये जो संपदा है ये खत्म ही हो जानी है। बुरहानपुर में ये प्रणाली पिछली 4 सदियों से लगातार काम कर रही है, लेकिन इन 400 सालों में बहुत कम लोग इसके महत्व को समझ पाए हैं। दुख इस बात का है कि उसको हमने कभी रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की, देश में कहीं और स्थानों पर उसको ट्राई नहीं किया। जल संकट से उबरने के लिए हमें अपने जल स्रोतों और अपनी भव्य जल परंपराओं के प्रति संवेदनशील होना ही होगा। अभी पानी के प्रति हमारा जो डिस्कनेक्ट हो गया वो इसलिए हो गया कि हम पानी को ऐसी कमोडिटी समझते हैं जो एक बटन दबाने से या नल घुमाने से मिल जाती है। वो जिस नदी तालाब से आ रहा है उससे डिस्कनेक्शन हो गया। हमारी मध्यकालीन स्थापत्य कला जल संग्रहण की कई समय सिद्ध प्रणालियों के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन्हें वर्तमान दौर के स्थापत्य और नियोजन में उतारना निश्चित ही बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर में इसका समावेश करना बहुत जरूरी है। अभी कई जगह तो कंपलसरी हो गया रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एक्विफर्स। अब वही है, हमारे यहाँ रूल्स लॉज बने हुए, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा प्रॉब्लम रही है। ये वैसा ही हो गया कि हम अपने घड़े से पानी या फ्रिज से पानी रोज पीते हैं, उसको वापिस ही ना भरे तो वो तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दुधि शतधारा।